तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने रब की शुक्रगुजार है कि उसने हमें मौका दिया कि इस रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में हम ने रोज़े रखे, इबादात की और अनफाक किया। अल्लाह ताला हमारे इन अमाल को कबूल फरमाएं और जो कोताहियां रह गईं अल्लाह ताला उन्हें इन मज़ीद चंद लम्हात, बहुत कीमती लम्हात जो बाकी हैं, अल्लाह इनमें कसर पूरी करने की तौफीक अता फरमाएं और इन लम्हात को हमारी निजात का जरिया बना दें। अलखिदमत वॉलंटियर्स की मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरे रमज़ान में घरों में जा जाकर राशन तकसीम किए, राशन पैक किए, खरीदारियाँ की और इन तमाम महरूम तबकात तक पहुँचे जिनके पास वसाइल की कमी है। अल्लाह ताला ने हमें जिन वसाइल से नवाजा है उनको ऐसे तरीके से अमानत और दयानत के साथ आगे पहुंचा देना अल्लाह का एहसान है कि उसने हमसे काम करवा दिया। और हम शुक्रगुजार हैं अपने उन वॉलंटियर्स के जिन्होंने खुले दिल के साथ हम पर एतमाद करते हुए हमें डोनेशंस इन काइंड और इन कैश हम तक पहुंचाई जो हमने मुस्तहक अफराद तक पहुंचाई। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है। अभी हमारे इर्द गिर्द, हमारे करीब ही बहुत सारी ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं कि जिनके बच्चे ईद पर नया लिबास शायद नहीं पहन सकेंगे और शायद उनके घरों में राशन भी मौजूद ना हो। मेरी अपील है अपने मुखय्यर बहनों और भाइयों से कि मज़ीद दस्ते तआवुन बढ़ाएं और जितनी मोहलत है और जितना हमसे मुमकिन है हम मज़ीद खिदमत का काम अंजाम दें। हमें ईद इस दफ़ा एक मुख्तलिफ अंदाज से मनानी है, एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से कि लॉकडाउन्स हैं और बंदिशें हैं और दूरियां हैं, लेकिन ये सब हमारे ही लिए है और SOPs का हमें ख्याल रखना है और इफ वी स्टे होम वी स्टे सेफ इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे वो पुराने त्यौहार लौटा दें, हमारे बड़े खूबसूरत त्यौहार जिनमें हम सब घुल मिलकर आपस में बैठा करते थे, मिलते थे, कोई बंदिश नहीं, कोई दूरी नहीं होती थी और ना ही कोई मास्क होते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वो त्यौहार हमें लौटा दें, हमारे गुनाहों को बख्श दें और ये आजमाइश जो हम पर आई हुई है इसे हमसे टाल दें।